कैसी भी फोटो एडिटिंग करके बताने वाला दोस्तों। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हो, ये बहुत सिंपल आसान स्टेप है दोस्तों। फॉलो करके दोस्तों कुछ इस तरह का दोस्तों फोटो एडिटिंग दोस्तों आप कर सकते हो दोस्तों। देर किस बात की, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा देख सकते हो तो दोस्तों सिंपली नॉर्मल फोटो मेरा दिखाता हूँ, कुछ इस तरह देखने को मिलता है दोस्तों। सिंपली इस फोटो को हम कर लेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर, तो मैं लाइट रूम ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर ले। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो मैंने लाइट रूम ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया दोस्तों। यहाँ से आपको प्रीसेट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्रीसेट को ऐड करके अपने लाइट रूम में कॉपी कर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो प्रीसेट हमारे फोटो पे आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, ये होने के बाद करना है कि आपको नीचे एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली करना है क्या दोस्तों, यहाँ से कुछ हमें एडजस्टमेंट करना है दोस्तों सिंपली अपने, तो यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते थे कुछ इस तरह से। जैसा कि देख सकते हो हमारा कॉलर एडजस्ट हो गया है। तो ये होने के बाद दोस्तों सिंपली करना है यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, और सिंपली हमें जिस जितना अपने बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए उतना मैं बैकग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 25 के आसपास कर लेता हूँ तो इस तरह से। और यहाँ पर आपका मोबाइल का डाटा ऑन होना चाहिए तभी ताकि प्रोसेसिंग काम करेगा दोस्तों। अगर आप तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है कुछ, जितना आप अपने बैकग्राउंड में ब्लर रखना चाहते हो उतना रख सकते हो दोस्तों। सिंपली मैं 25 कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। जैसा कि देख सकते हो यहाँ से राइट पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों, सिंपली करना है यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर आना और मिक्स पे टूल पर आ देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा अपने फेस को व्हाइट टूल जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों, सिंपली करना है अपने फोटो को इसको सेव कर लेना, और सेव करने का दोस्तों हमें इसका फेस स्मूथ करना है, फेस को व्हाइट करना और हेयर एडिटिंग करना है। तो लास्ट तक वीडियो बना रहना जब ताकि कुछ इस तरह का दोस्तों फोटो एडिटिंग कर पाओगे दोस्तों आप। सो दोस्तों फाइनली आपको करना है कि अपने फोटो स्केच बुक के अंदर अपने फोटो को ऐड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ऐड कर लिया, और दोस्तों सिंपली करना है यहाँ से इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और अपने फेस को स्मूथ करना है दोस्तों। तो बताने वाला कौन सा ब्रश का यूज करने वाला, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला दोस्तों। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ब्रश स्मूथ वाला, सिंपली मैं इस वाले ब्रश को यूज़ करने वाला आज की इस वीडियो में दोस्तों। सिंपली इस पर टैप कर लूँगा दोस्तों, इसकी सेटिंग का आपको किस हिसाब से रखना है जैसा कि देख सकते हो उसी हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और अपने फोटो को फेस स्मूथ कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख दोस्तों देख सकते अपने फिंगर को कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है ताकि हमारे फेस पे लाइन ना बने और ब्लैक शैडो ना आए दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो आप कुछ इस तरह से, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ आप अपने फोटो में, बहुत ही आराम से करना ताकि जब भी जाके कुछ इस तरह का दोस्तों आपका फेस स्मूथ होगा HD में हो भी। तो दोस्तों फेस स्मूथ हो गया, सिंपली करना है इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक लेयर आपको बन जाएगा, लेयर पे टैप करना है दोस्तों, फिर यहाँ से नॉर्मल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेना, और करने का दोस्तों यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे सिंपली, और यहाँ से हमें इसको हमें पूरा 100 कर देना है, और 100 करने का दोस्तों यहाँ से बैक आ देंगे। बैक आने का दोस्तों सिंपली आपको इस वाले ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे इस वाले पर आ जाएंगे हम, और यहाँ पे दोस्तों एक आपको ब्रश दिखाऊंगा बताने वाला हूँ कौन सा ब्रश है तो अपने फेस को व्हाइट करने वाले दोस्तों। सिंपली ये ब्रश दो दिखा देगा वो थर्ड नंबर पे, सिंपली इस पे टैप कर लेंगे, और यहाँ से इसको सेटिंग कुछ इस हिसाब से रखना है, ओपेसिटी को 100 कर देना है, और साइज अपने हिसाब से रख सकते हो जितना रखना चाहते हो दोस्तों। सिंपली मैं इसको अगर इस पर क्लिक करना और राइट करोगे तो दोस्तों साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट करोगे तो साइज छोटा होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सिंपली मैं इस तरह से अप्लाई कर लेता हूँ अपने फेस पे, जैसा कि देख सकते हो मॉडल के फेस पे। तो जैसा कि देख सकते हो हमारा वीडियो का हमारे मॉडल का फेस व्हाइट हो गया और फेस स्मूथ हो गया दोस्तों। सिंपली करना है कि आपने अगर आपके फेस पे ज़्यादा व्हाइट होना ज़्यादा, सिंपली इस पर टैप करेंगे दोस्तों, अपने लेयर पर आ देना है, लेयर को थोड़ा सा कम कर लेंगे अपने फोटो के हिसाब से जितना आप रखना चाहते हो। तो सिंपली दोस्तों मैं इतना रख लेता हूँ जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ से आ जाएंगे बैक दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों अपने हेयर को एडिट करने के लिए दोस्तों करना है सिंपली इस वाले आइकन पर आएंगे दोस्तों, और हमें फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, और दूसरा नंबर दोस्तों हमें ब्रश वाला आइकन पर आना है, और यहाँ से हमें इस वाले टूल पर आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से फिर हमें ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है जो मैंने हम जो अभी हम जहाँ से मैंने फेस स्मूथ किया था इस वाले ब्रश पर आ जाएंगे, और इसको सेटिंग कुछ हिसाब से रखना है, और यहाँ से अपने कलर को एडिट करना है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से दोस्तों इस तरह से कुछ, जिधर से आपका हेयर उधर उस साइड अब ब्रश चलाना है आपको कुछ इस तरह से राउंड राउंड जैसा कि देख सकते हो दोस्तों। ये हो गया, होने के बाद दोस्तों अपने हेयर में थोड़ा कट मारना है तो सिंपली ब्रश वाले आइकन पे आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से इस पर आएंगे और इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, और साइज कुछ सेटिंग आपको कुछ ये रखना है कुछ इस तरह से जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ पे हम अपने हेयर में थोड़ा सा कट मार लेंगे कुछ इस तरह से जैसा कि देख सकते हो आप।
दोस्तों सिंपली हेयर में कट लग गया दोस्तों, तो करना क्या अपने फोटो को यहाँ दोस्तों कर लेंगे सेव। दोस्तों लिप अपने लिप्स पे कलर करना है दोस्तों, सिंपली इस पे आएंगे और यहाँ से एक लेयर और क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। सिंपली लेयर पे टैप करना है और यहाँ से नॉर्मल वाला ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से सॉफ्ट लाइट पा देना है और दोस्तों फिर से हमें कलर वाला ऑप्शन पा देंगे और यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ से आ देंगे बैक, बैक आने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आने के बाद दोस्तों हमें ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे अपने, जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह से। और यहाँ से बैक आने के बाद अपने लिप्स का साथ इसको अप्लाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग फोटो के अकॉर्डिंग जितना आप लिप्स पर कलर रखना चाहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये होने के बाद लिप्स को ओपेसिटी ज़्यादा कलर दिख रहा है दोस्तों, सिंपली इस पर टैप करेंगे लेयर पर आना है दोस्तों। यहाँ से इसको ओपेसिटी को अपने वीडियो को अकॉर्डिंग रख लेना जितना आपने लिप्स पे लाइट रखना चाहते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ से बैक आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। तो सिंपली दोस्तों ये हो गया। तो ये दोस्तों अपने करना है फोटो कर लेंगे सेव, यहाँ से सेव कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करना है पिक्सेट ऐप के अंदर दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो हमारा पिक्सेट ऐप के अंदर ये फोटो हमारा ओपन हो गया है दोस्तों। करना क्या है, सिंपली यहाँ से PNG को ऐड करना है। सिंपली ऐड फोटो पे आएंगे दोस्तों और यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, उस PNG को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वहाँ से ऐड कर लेता हूँ मैं। तो मैं सिंपली एलोंग वाला PNG को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से। और नीचे के साइड में आपको एक वो ब्लेंडिंग ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली इस पर टैप करना और यहाँ पे स्कैन कर देना है और इसको ऊपर के साइड में एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। एडजस्ट करने का दोस्तों सिंपली करना है राइट पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों अपने फोटो को बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ सिंपली करना का यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों सेकंड नंबर पर, जो आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरह रख देना है और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड का कलर दोस्तों चेंज कर सकते हो, जैसा कि दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह का चैनल में वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। सिंपली कर लेता हूँ मैं इन वाले को दोस्तों, सिंपली यहाँ से सेव कर लेता हूँ अपने।